मजा नहीं आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं पीर सैयद इकरारुल हसन और आज की इस वीडियो में हम अल मारूफ पीर हक खतीब सरकार उर्फ शुफ शुफ वाली सरकार की शोबदाबाजियों का पर्दा चाक करेंगे। अभी मजा आएगा ना, लेकिन एक सेकंड। नो 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 नो, या खुदा, किस कदर ओवर एक्टिंग कर रहा। देखें, 12 साल से ये गुर्दू का मरीज था, आज मेरे पास आया है। हाजिर है जो शैतान। मुझे क्यों तोड़ा? ऐसे ही भाई, तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा है। इसे गुर्दे तूने खत्म। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे। तूने तूने खत्म किए कितने? चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग की वजह। अब बोल क्या चाहता है? मैं चाहता हूँ मुझे माफी दे दो, मैं अपने घर जाऊंगी, अपने घर जाए। ठीक हो गया, चल तू बस फोन में प्यार करता हूँ। आपने मुझे बनवा दिया यार, ये देख ले अब क्या हाल है। सही है, ठीक है, अब कितनी ठीक है। क्या नाम है आपका? बाल वापिस आ जाए। क्यों हिला डाला ना? नहीं, कैसा लगा मेरा मजाक? ये रूहानियत है ही नहीं है, ये मिस्टिसिज्म है, जो कि बुद्धिस्ट के अंदर भी है, क्रिश्चियंस के अंदर भी है, हिंदुओं में भी है। तो ये सब कुछ इनका जो है फ्रॉड के ऊपर मबनी है। ये मीडिया की बरकत से एक एक चीज खुल रही है और आज मामलात लोगों के लिए समझना आसान हो गए। अदरवाइज मैं आपको बताऊं, आज भी अगर ये मीडिया ना होता तो इनका ये फ्रॉड सारा इसी तरीके से चलता रहता। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। इकरार तो बेचारा शरीफ आदमी है, उसे अंदाजा नहीं है कि ये क्या कुछ करेंगे अभी। और ये जो लोग समझ रहे हैं ना कि कोई इसका कोई मंतकी नतीजा निकलेगा, कुछ भी नहीं निकलेगा। मैं आज आपको बता देता हूं, वो कभी भी तैयार नहीं होगा वीडियो बनाने के लिए। अगर बना भी दी, वो ऐसी एम्बिगुअस बात करेगा कि कभी भी मीडिया के सामने ये अपने कर्तव्य उसे ना दिखाने पड़े, क्योंकि एक्सपोज हो जाएगा। आपको भी पता है, मेरे जैसे बंदे तो फिर सीधे खड़े हो जाएंगे, वो कहेंगे मरीजों को छोड़, तुझे खिलाते हैं ब्लेड भी, सुइयां भी, तू अपनी निकाल के जरा बता, बाकियों को छोड़। जो बुजुर्ग कहता है ना, मुर्दा जिंदा कर सकता हूं, तो ठीक है अपना कत्ल माफ करे, सबसे पहले उसे शहीद करते हैं, अपने आपको जिंदा करके बताए। अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम के मोजज़ात की प्ली लेना, भाई अंबिया को तो अल्लाह ने मनवाना होता है, तुम्हारे बाबों को अल्लाह ने मनवाना नहीं होता। उनका काम यह है कि वो नबियों को फॉलो करें। बस अब आप लोगों ने एक ही बात इनके साथ करनी है कि जो बुजुर्ग भी कुछ करके दिखा सकता है, हमें एक नौ मौलूद बच्चे का खतरा चाहिए, अदरवाइज सारे बाबे फारिग। ये पहली बार होगा कि चाचे टूट जाएंगे, चाची अपनी जगह ही रह गया। चाचे फारिग सारे, जो जो खतरा ना कर सके रूहानी तौर पर, वो चाचा फारिग, उसके साथ वही कुछ किया जाएगा जिसका फिर वो हकदार है। 5 बड़े बड़े जो तरीका इलाज है ना, नंबर 1 एलोपैथी, जो सबसे ज्यादा मशहूर है, नंबर 2 होम्योपैथी का इलाज है, नंबर 3 सर्जरी का इलाज है। सर्जरी पैनल में एक इलाज है, और सर्जरी वो इलाज है कि बाजूकात इसके बगैर चारा नहीं है। अपेंडिक्स का किसी की वो नस फटने वाली हो तो ना कोई दम काम आएगा मेरे भाई, और ना कोई दवाई काम आएगी, वो आपको कट लगा के वो निकालनी पड़ेगी। सर्जरी है तीसरा बड़ा इलाज। चौथा हर्बल है, जो आपका ये देसी इलाज कह लें या आप हकीमों वाला इलाज है, ये भी डेफिनेट इलाज है। और पांचवा अगर कोई इलाज है, वो झाड़ फूंक करना सुन्नत अज़कार के जरिए हो या किसी और जरिए से दम वगैरह करना जिसमें कोई शिरकी अल्फाज ना हो, वो कर सकते हैं। इसमें मेरी तफसीली वीडियोस रिकॉर्ड है, लेकिन वो भी ये काम नहीं कर सकते। अगर कोई कहता ना ये काम हो सकता है, तो सरकार हमको मुश्किल काम नहीं बताते। ये कह रहे हैं ना कि जी ये ब्लेड निकालते हैं और बाईपास कर देते हैं, फलाफला छोड़ दे, कोई किसी नौ मौलूद बच्चे का खतरा करके बताए को बाबा। और अगर ना हुआ ना, thank you.
अगली गल आप समझ जाओ, स्टाम्प पेपर से लिख के दो। हूं मैं देखना कहना बाबा सामने आता है, जेड़ा सामने आया ना मैं रोहानी ऑपरेशन कर रहा हूं, उनको बिल्कुल ठीक है, बच्चा ला रहा हूं अभी जो छोटा पैदा हुआ है, बगैर ब्लेड मारे निगाह मार के इसका ऑपरेशन करना है रोहानी तौर पे, और अगर ऑपरेशन ना हुआ और खतरा ना हुआ इस लेवल पे उतर के इनको समझाएंगे ना तो फिर इनको समझ आएगी। ये छोड़ दे बाकी सारे ये ब्लेड ब्लूड छोड़े, इनको कहेंगे इसके ऊपर एग्री करो अगर इतने कॉन्फिडेंट हो, और मैं वो बता रहा हूं इसके ऊपर ना मरा हुआ कोई बाबा जिंदा हो जाए तो वो तैयार होगा, और ना इनमें से कोई तैयार होगा जो इतने बड़े बड़े कारनामे आपको कहते हैं हम करके दिखा सकते हैं, कोई भी कुछ नहीं करके बता सकता, बिल्कुल फ्रॉड है, झूठ के ऊपर मबनी है, तमाशा लगाया उन्होंने, आप लोगों की जहालत का फायदा उठा रहे हैं, और अब देखें लोग हिम्मत करके टीवी पे आके एक एक करके लोग बयान कर रहे हैं कि जनाब हम भी गए थे कुछ भी नहीं हुआ, मरीज मर गया, वो आपने देखा लिबर्टी चौक के अंदर इकरार हसन ने जो लोगों के इंटरव्यू किए, हमारे जेलम शहर में कई लोग हैं उनको हाथ लग चुके हैं तो, लेकिन तमाशा चल रहा था, अरसे दराज से चल रहा था, अब शुक्र है कि मेन मीडिया चैनल के ऊपर इसको गोद लिया गया, और मैं समझता हूं कि इसका कोई मंतकी नतीजा निकलना चाहिए, अगरचे मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि निकले, क्योंकि वो तो भागेगा, कोई ना कोई बहाना ऐसा करेगा, एन मुमकिन है कि उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे इकरार हसन को, उसकी जरूरत को सलाम है, और इंशाल्लाह ताला हम हर मौके के ऊपर खड़े हैं, और ये मेरी वीडियो भी इंशाल्लाह ताला इनके लिए इनको हॉन्ट करने के लिए काफी होगी इंशाल्लाह ताला।